खबर जयपुर से, जहां मीरा कुमार बैठक ले रही हैं। मीरा कुमार की कांग्रेस विधायकों वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक चल रही है, पीसीसी में ये बैठक चल रही है। दो विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, विश्वेंद्र सिंह, महेंद्रजीत मालवीय बैठक का हिस्सा नहीं बने हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, चारों सह प्रभारी अशोक गहलोत, रामेश्वर डूढ़ी, सचिन पायलट सहित कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ इस खबर पर सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जी गोवर्धन, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है बैठक में, क्या कुछ कौन कौन से नेता यहां पर शामिल हुए हैं कांग्रेस की अगर बात की जाए, प्रमुख चेहरे? देखिए, विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं मीरा कुमार, वो इलेक्टोरल कॉलेजियम की मीटिंग ले रही है, मतलब जो विधायक हैं जो इस राष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे उनके साथ में वो बैठक कर रही है। विधायकों के साथ में जो पूर्व मंत्री हैं, हारे हुए जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, चारों सह प्रभारी अशोक गहलोत, रामेश्वर डूढ़ी सहित तमाम जो दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। खास बात यह है कि तीन विधायक जो कांग्रेस के हैं वो इस बैठक में नहीं आए हैं, जिनमें विश्वेंद्र सिंह हैं, महेंद्रजीत मालविया हैं और गिरिराज सिंह मलिंगा हैं। ये तीन विधायक इस बैठक में नहीं आए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जरूरी काम से कहीं बिजी हैं और उन्होंने पहले इंटीमेट कर दिया था, क्योंकि बांसवाड़ा में राहुल गांधी की रैली होनी है, इस वजह से महेंद्रजीत मालवीय रैली की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन गिरिराज सिंह मलिंगा और विश्वेंद्र सिंह क्यों नहीं आए, इसको लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। साथ ही दो जो निर्दलीय विधायक हैं, राजकुमार शर्मा और नंदकिशोर महरिया, वो मीरा कुमार के साथ इस बैठक में है। इसका मतलब ये है कि मीरा कुमार को ये दो वोट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कांग्रेस का अनुमान ये है कि, और दावा भी है कि, तकरीबन 30 से 31 वोट वो ले सकेंगे, मतलब कि 24 से जो वोट हैं कांग्रेस के उसके अलावा वो 6-7 वोट ले जाएंगे, ये दावा है। क्योंकि मीरा कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये दावा किया था कि यहाँ अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिए जाएंगे, और जब अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ते हैं तो जो संख्या बल है वो महत्व नहीं रखता, क्रॉस वोटिंग हो ही जाती है। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग इस मायने में नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर व्हिप जारी नहीं होता, गुप्त मतदान होता है, और पार्टी के जो लोग हैं ये अनुमान नहीं लगा सकते कि किस विधायक ने किसको वोट दिया है। तो कांग्रेस को बीजेपी में भी आशा है कि वो सेंध लगा पाएंगे, कुछ निर्दलीय और बसपा के वोट हैं, दो बसपा विधायकों के वोट हैं उन पे भी उनकी निगाह है। तो ऐसे करके तकरीबन 30 से 31 का आंकड़ा कांग्रेस छूना चाहती है यहाँ पर कि राष्ट्रपति चुनाव में उनको इतने वोट मिल जाएं। जहां तक आज की इस बैठक का सवाल है, तो इस बैठक में एक रस्मी औपचारिकता होती है कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है वो अपने जो सहयोगी दल हैं उनके विधायकों के साथ में, जिसको इलेक्टोरल कॉलेजियम कहा जाता है राष्ट्रपति चुनावों के लिए, उससे वो मुलाकात करते हैं। और ये मुलाकात इसी सिलसिले में मीरा कुमार सारे जो विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में कर रही हैं। यहाँ से इस बैठक के बाद में मीरा कुमार तकरीबन 3 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। आज सुबह जब वो यहाँ पहुंची थी एयरपोर्ट पे 10:15 बजे, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया, यहाँ पीसीसी में वो मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने साफ तौर से कहा कि केंद्र की सरकार पर निशाना साफ तौर पर कहा कि जो टॉलरेंस का मुद्दा है वो, कि ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में हुआ। तो काफी कुछ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो राष्ट्रपति चुनाव है वो इस बार दो पर्सनालिटीज का चुनाव न होकर के दो जो आइडियोलॉजीज है उनके बीच में चुनाव है, विचारधाराओं का चुनाव है। तो अब इस विचारधाराओं के चुनाव में जीत किसकी होती है, क्योंकि जो दिखते हुए आंकड़े हैं वो साफ जाहिर है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं रामनाथ कोविंद उनके पक्ष में है, लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनको ये विश्वास है कि जब अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ेंगे तो शायद ये जो संख्या बल पहले से दिख रहा है ये उलट हो जाए। हालांकि जो राजनीतिक हालात अभी देश के हैं, प्रदेश के हैं, उनमें लगता नहीं कि कोई ज्यादा चमत्कार हो पाएगा, मीरा कुमार को कोई ज्यादा अंतरात्मा की आवाज का फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि प्रदेश में भी, क्योंकि उनके पास 24 का आंकड़ा है और वो कोशिश करेंगे कि 30 से 31 वोट, मतलब अपनी संख्या से 7 से 8 वोट वो ज्यादा दिला पाए। फिलहाल ये मीटिंग चल रही है, बैठक ली जा रही है, बात की जाए मीरा कुमार की ओर से, तो क्या कुछ लगता है प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश कांग्रेस का कितना सपोर्ट उन्हें मिल पाएगा? नहीं, देखिए, जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय हो गया यूपीए की ओर से, कांग्रेस की ओर से, तो प्रदेश कांग्रेस पूरा सपोर्ट करेगी, और क्योंकि उनका खुद का उम्मीदवार है तो उनका सपोर्ट तो करना ही करना है। बड़ी चुनौती इनके सामने है कि जो निर्दलीय बसपा और जो अन्य पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनका वोट वो किस तरह से ले पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस सबसे कम संख्या में इस बार जीत करके आई है, केवल 24 उनके विधायक हैं, उनमें भी अगर वो 8-7 वोट ले पाने में दूसरे दलों से निर्दलीय विधायकों के, तो एक तरह से राजनीतिक तौर से उनकी कामयाबी मानी जाएगी। और इससे अगर
कम वो कोशिश करेंगे कि कम से कम 6 से 7 वोट वो दूसरे पार्टियों में और निर्दलियों में सेंध लगा करके मीरा कुमार को दिला सके, तो इसमें कांग्रेस सेटिस्फाई अपने आप को मानेगी। जी बिल्कुल गोवर्धन, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें मीरा कुमार फिलहाल बैठक ले रही हैं पीसीसी में, तमाम बड़े नेता विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, बात सूरतगढ़ की। पिछले काफी लंबे समय से सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलनरत एटा सिंगरासर क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर है, जहां अब किसानों को माइनर की जगह कृषि कनेक्शन देकर ट्यूबवेलों की सौगात राज्य की भाजपा सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही क्षेत्र के प्रभावित काश्तकारों को 3 महीने में कृषि कनेक्शन देकर उनके खेतों में ट्यूबवेल लगवाए जाएंगे, जिसकी जानकारी विधायक राजेंद्र सिंह भादू ने दी है। टिब्बा क्षेत्र के लोगों के लिए जिनकी एटा सिंगरासर माइनर की मांग थी, उन लोगों के आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए राजस्थान सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के निर्देशानुसार एक विशेष पैकेज की घोषणा की है, जिस घोषणा के अनुसार प्रत्येक उस किसान को जो अपने खेत में ट्यूबवेल चाहेगा उन्हें ट्यूबवेल लगाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर और इसी 3 महीने के अंदर उसको ट्यूबवेल का कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। हाड़ौती में पेयजल की किल्लत एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है, जहां जलदाय विभाग द्वारा टैंकर से की जा रही पेयजल की सप्लाई को बंद करने से लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा है, जिसे लेकर परेशान लोगों ने विधायक भवानी सिंह राजावत से मुलाकात की, पेयजल की किल्लत से निजात दिलवाने की मांग उनके सामने रखी। इसके बाद विधायक राजावत ने जलदाय विभाग को मानसून में हो रही देरी के चलते दोबारा से टैंकरों से पेयजल की सप्लाई करने के निर्देश दिए। लगा प्रशासन को कि मानसून आ गया, लेकिन वो बरसात केवल 1-2 दिन की बरसात रही और पूरे इलाके में पेयजल का संकट वापस खड़ा हो गया। मानसून अभी रूठा हुआ है और इसलिए मैंने निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि जितने टैंकर पहले चल रहे थे, मानसून अभी तक रूठा हुआ है, कब मानसून आएगा, लेकिन लोगों की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त टैंकर चलाएं। मैं बड़ी संकट पैदा हो गई थी पानी की, इसलिए मैं वापस चालू हो गए, बड़ी खुशी की बात है। भीलवाड़ा के माडलगढ़ उपखंड मुख्यालय पर स्थित श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जहां छात्र कॉलेज के भवन पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। साथ ही छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंप कर सीटें बढ़ाने की मांग की। इधर जयपुर में निर्वाचन विभाग की तरफ से वृहद मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 87 स्कूल कॉलेजों में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और आज मानसरोवर स्थित आईसीजी कॉलेज में मतदाता पंजीकरण कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत, जयपुर कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत विभाग ने जयपुर में करीब 2 लाख नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अगली खबर बाड़मेर से है, जहां खारची गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां जानकारी के अनुसार मृतक युवक का विवाहिता के साथ प्रेम प्रसंग था। इसी के चलते विवाहिता के परिजनों ने युवक श्रेणी दान को अपने घर में बंधक बना लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़े बाबू को बंधक बनाकर मारपीट कर रहे हैं की हुई थी और ज़्यादा सीरियस था और हॉस्पिटल देताने लेकर पहुंचा, वहाँ डॉक्टर साहब ने ज़्यादा सीरियस होने से बाड़ में रेफर कर दिया और यहाँ लेके आए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है, जिसकी अभी रिपोर्ट दी है, कार्रवाई चल रही है। खबर भरतपुर से, जहाँ नवजात की मौत के मामले में कल पुलिस कि दबिश के दौरान नवजात की मौत हो गई थी। कामा के विरार गांव का ये मामला है, परिजनों ने आज भी शव को नहीं दफनाया है, बड़ी खबर। जहां आपको बता दें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की ये सभी मांग कर रहे हैं। कल पुलिस ने केवल मर्ग दर्ज की थी, ग्रामीण आज फिर गांव से कामा के लिए रवाना हो गए हैं, अदालत में पुलिस के खिलाफ इस्तगासा करवाएंगे।